भाई कुछ दोनों से काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि यू सीरीज का रिव्यू करो, यू सीरीज देखो। तो भाई मैंने ये सीरीज पहले नहीं देखी थी, लेकिन पिछले कुछ दोनों से मैं ये सीरीज को देख रहा था। चार सीजन अभी तक, चारों सीजन भाई मैंने कुछ करीब 6 से 7 दिन के अंदर खत्म कर दिए। और इस वीडियो में आपको रिव्यू शेयर करूंगा मेरे को कैसा लगा और आपको ये देखना चाहिए या नहीं। तो भाई सबसे पहले जो रिएक्शन था, पहले एपिसोड देखने के बाद मेरे को लगा कि भाई क्या गजब का शो बनाया भाई है। इसे बोलते हैं भाई सही मायने में एक सुपर थ्रिलर शो। लेकिन जिन्होंने ये सीरीज अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है, उन लोगों के लिए छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई सीरीज की कहानी कवर करती है जो नाम के आदमी को, जो कि दिखने में भाई काफी अच्छा खासा है, काफी लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन भाई जब उस बंदे के अंदर किसी लड़की को लेकर कुछ भावनाएं बनने लग जाती है, तो वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए राजी हो जाती है। मतलब भाई बंदा अपनी बंदी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। मतलब एक प्यार तो होता है कि हम लोग करते हैं, जो दुनियादारी में नॉर्मली सभी लोग करते आ रहे हैं, लेकिन भाई एक ऑब्सेशन अलग चीज हो जाती है जिसमें बंदा किसी भी हद तक जाने के लिए राजी हो जाता है। इस सीरीज के अंदर भाई ये बंदा इसी तरीके का प्यार या फिर ऑब्सेशन अपनी बंदी के साथ करने लग जाता है। अभी किस हद तक जाता है ये तो अगर आप ट्रेलर भी देखोगे तो भी अंदाजा लगा लो कि भाई मर्डर करने तक बात पहुंच जाती है। और जैसा मैंने दोस्तों भी बताया कि भाई सीरीज मतलब जबरदस्त है भाई। जो बंदा भाई मेन लीड में है जिसका नाम पेन बेजली है, शो के अंदर उसका नाम जो गोल्डबर्ग है, भाई क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है बंदे ने। साथ ही शो के अंदर उसी की आवाज में एक नरेशन चलती रहती है जो कि भाई हमारा इंटरेस्ट जरा भी नहीं खोने देती है सीरीज के अंदर से। मैंने सीरीज भाई हिंदी में देखी थी, मेरे को लगता है जिस आर्टिस्ट ने भाई उसकी आवाज डब करी है भाई गजब की आवाज है उस बंदे की। क्या इंटेंसिटी है भाई बंदे की, हमको पूरे टाइम हुक करके रखती है। शो देखते हुए ऐसा लगने लग जाता है कि काश उसी की आवाज में हमको पूरी सीरीज समझा दी जाए और स्क्रीन पर हमको विजुअली दिखाते रहे कि क्या चल रहा है। साथ ही जो मेन कैरेक्टर्स भाई उनकी भी एक्टिंग मेरे को तो पर्सनली बहुत जबरदस्त लगी। अब मैंने अच्छा तो भाई काफी कुछ बता दिया है, लेकिन शो के अंदर मेरे को कुछ कमियां लगी जो मैं अभी बता दे रहा हूं। देखो भाई अभी तक शो के 4 सीजन आ चुके हैं। अब पर्सनली ये भाई मेरा ओपिनियन है, हालांकि अगर आपने देखा है तो हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। मेरा ये ओपिनियन है कि भाई इसका पहला सीजन सबसे बेस्ट, उसके बाद सेकंड सीजन थोड़ा ढीला पड़ा, थर्ड सीजन थोड़ा और ढीला, फोर्थ सीजन थोड़ा और ढीला। हालांकि भाई सारे सीजन आप परफेक्टली एंजॉय करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मजा नहीं आने वाला। ये मेरे को कुछ हद तक इसलिए लगा क्योंकि भाई पहले सीजन के अंदर सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लगता है। सेकंड सीजन के अंदर उसको जब अपनी वाइफ की तलाश होती है, वाइफ उसको मिल भी जाती है, लेकिन भाई कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती ड्रैग कर हुए लग रहे थे मेरे को, क्योंकि मैंने आगे बढ़ा दी थी। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अगर आपको दो कैरेक्टर के बीच में मेन कैरेक्टर के अलावा अगर बातचीत दिखे तो उनको आगे बढ़ा देना, कोई ज्यादा मतलब नहीं होता उनका, क्योंकि वो आगे चल के दोबारा रिपीट कर दी जाती है और आप उन बातों को सुने बिना भी आराम से शो एंजॉय कर लोगे, क्योंकि भाई मैंने करा तो आप भी आराम से कर लोगे। इसी तरह भाई थर्ड सीजन के अंदर भी था, बंदे की जब शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसकी बीवी ने भाई सेकंड सीजन के अंदर कुछ ज्यादा मर्डर नहीं करे होते हैं, एक दो बताए होते हैं लेकिन वो बहुत पुराने मर्डर होते हैं। लेकिन थर्ड सीजन में वो जिसको मिल रही है मार दे रही है। थर्ड सीजन के अंदर मर्डर की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है और क्योंकि भाई अमीर अमीर लोग मर रहे होते हैं, सेलिब्रिटी लोग मर रहे होते हैं, तो उनके नाम पे कोई भाई इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा दिखाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मेरे को थर्ड सीजन थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। अब बात करते हैं चौथे सीजन की, तो भाई चौथा सीजन तो थर्ड से भी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, जो कि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले 3 सीजन के मुकाबले फोर्थ सीजन थोड़ा ज्यादा अनरियलिस्टिक लगेगा आपको भी। लेकिन भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शो आपको एंगेज नहीं रखेगा। सीरियसली भाई हर शो के लास्ट के 3-4 एपिसोड के अंदर आपको इतना जबरदस्त थ्रिल देखने को मिलेगा, भाई आपके दिमाग से जरूर निकलेगा कि भाई ये क्या हो गया। मेरी नजर में तो भाई एक टॉप लेवल का शो है और रहेगा भी। अब बात करते हैं शो के थोड़ी रेटिंग्स की, तो भाई मैं तो इसको आराम से 10 में से 8 आराम से दे सकता हूँ। 2 पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए काटने के बाद, बीच बीच में शो मेरे को थोड़ा ड्रैग लगने लग जाता है। अब आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, भाई जरूर देखना चाहिए। अब हो सकता है शायद किसी के दिमाग में आ रहा हो ये फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं, तो बता दो दोस्तों फैमिली के साथ मत देखना, काफी सेक्स सीन्स है, बहुत ही ज्यादा हॉट सीन्स है, तो अकेले ही देखना ज्यादा एंजॉय कर पाओ। तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा रिव्यू था शो के बारे में। अगर आप ये शो देख चुके हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से शो के अंदर बेस्ट चीज क्या है। अभी की वीडियो में ये भी खत्म करता हूँ। दिस इज शोरमनी साइनिंग ऑफ।